हम 80-80 सीटें जीतेंगे, बरेली नंबर एक पर जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में आज एक भी आत्महत्या नहीं करता भूख से, न भूख से सोता है कोई, कोई नहीं है टक्कर पे, क्यों पड़े हो चक्कर में। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ बरेली की लोकसभा को जीत रही है। बरेली लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर मैदान में उतरे पूर्व मंत्री छत्रपाल गंगवार के नामांकन में जिला बरेली की भाजपा पूरे जोश के साथ एक मंच पर नजर आई है। मंत्री, मेयर, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष की अगुवाई में भगवा जय जयकार के बीच भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार ने गाजे बाजे के साथ अपना पर्चा भरा। योगी सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस मौके पर बरेली आकर भाजपा उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार ताकत बढ़ाई और दावा किया कि बरेली में भाजपा की फिर आंधी चल रही है। विरोधी दलों के प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के मुकाबले चुनाव में आसपास क्या दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। पार्टी में चल रही कथित कलह की चर्चाओं को गलत बताते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा में आम कार्यकर्ता से लेकर नेता पदाधिकारी सब पूरे दिलो जान से, पूरी ताकत से छत्रपाल गंगवार को चुनाव लड़ा रहे हैं। बरेली में भाजपा का झंडा फिर बुलंद होने जा रहा है और देश में पार्टी 400 पार सीटों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया के सामने भाजपा का संकल्प पत्र रखते हुए कहा कि बरेली में भाजपा भारी अंतर से जीत दर्ज करेगी। भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार भी इस मौके पर बोले कि पूरी पार्टी उनके साथ है तो चिंता की क्या बात है, वह बरेली में फिर से भाजपा का परचम लहराने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान, क्षेत्रीय सांसद संतोष गंगवार, आमला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, मेयर बरेली डॉक्टर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल के साथ सभी विधायक, एमएलसी, पार्टी पदाधिकारियों ने जय भाजपा तय भाजपा का शोर उठाया। आप भी सुनिए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार ने मीडिया से बातचीत में और क्या क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, आदरणीय मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद है। जनता जनार्दन स्वयं चुनाव लड़ रही है, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ता जनता का आशीर्वाद लेकर हम 80-80 सीटें जीतेंगे, बरेली नंबर एक पर जीतेंगे। क्या है उसके पीछे कारण है, गरीब कल्याण योजना है। पहली बार आज़ादी के बाद इस पर करोड़ों लोगों को पक्का मकान अपना है, शौचालय अपना है, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड अपना है, गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन, इज्जत घर है लोगों का, और कोरोना में वैश्विक महामारी में फ्री में अन्न वितरण, और वह भी आज आगे भी 5 साल चलता रहेगा। एक गरीब के लिए भोजन, पहले आप देखते थे 14 के पहले और 17 के पहले लोग आत्महत्या करते थे, बुंदेलखंड से लेकर हर जगह किसान आत्महत्या। आज 14 के बाद 17 के उत्तर प्रदेश में आज एक भी आत्महत्या नहीं करता भूख से, न भूख से सोता है कोई। तो आज सभी के लिए और घर घर नल का कनेक्शन, जिस बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी आया नल का, इसलिए जनता जनार्दन अपना मन बना चुका है, मन बनाकर वो बैठे हुए हैं, आदरणीय मोदी जी को ही वोट देंगे और मोदी की गारंटी है। कोई नहीं है टक्कर पे, क्यों पड़े हो चक्कर में, इसलिए यहाँ पे कोई टक्कर में नहीं। नीचे कर सवाल भाई साहब, ये जानना चाहेंगे क्या लग रहा है, क्या रणनीति है और किस तरीके का चुनाव आपका चल रहा है, आपने नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ बरेली की लोकसभा को जीत रही है और एक इतिहास बनेगा, इतना मुझे कहना। कितनी क्या लग रहा है, किससे टक्कर है, क्या मार्जिन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है और 400 से ऊपर संख्या, उसमें बरेली भी शामिल है, और बहुत बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है बरेली लोकसभा का, इसलिए टक्कर पर कोई है ही नहीं। जो हमारा पूर्व, हमारा जो दूसरा प्रत्याशी है वो सांसद भी रहा है, वो तो कभी चुनाव में, जन चुनाव के बाद जीत दिखाई नहीं सांसद बनने के बाद, इसलिए उससे तो कोई वो ही नहीं है। जनता तो उसका इंतजार कर रही है कि जरा आ जाए, जरा तब हम उसको जवाब देंगे। मैं आपका लागू धन्यवाद देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का किसी से मुकाबला
बरेली में नहीं है। मंत्री जी, कुर्मी समाज फिर से बोलिए क्या कह रहे हैं? कह रहा है कुछ ही दिन पहले कुर्मी समाज ने प्रेस वार्ता की थी, उसमें कहा था कि हम मंत्री जी कोई जानकारी नहीं है, कोई कमेंट नहीं करना, मुझे इस प्रकार की कहीं कोई बातें नहीं, सारा समाज मेरे साथ खड़ा।